हेलो 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 लाइट चले और हाफ। हेलो हेलो हाँ हाँ आवर्त सारणी। हेलो 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 हेलो, सबको मेरा प्रणाम है, सर नमस्कार है। आवर्त सारणी दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इससे पहले कल हम लोग यहां तक पढ़े थे। इसके बाद हम लोग चलते हैं सर आवर्त सारणी में, कि आवर्त सारणी का मामला क्या है सर, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आप अगर आवर्त सारणी को जानते हैं तो गौर फरमाइएगा, यह है आवर्त सारणी। हमने कहा था कि इधर एकदम आराम से सर, बी पेशेंट, एकदम पेशेंस रखना है। इस साइड जो है ये धातु है, इस साइड वाला जो है ये अधातु है, और ये धातु है। तो इसमें अधातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है कि ग्रहण करने की क्षमता है? तो हम कहेंगे सर कि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यह अधातु जो है इसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यह ऋण आयन बनाता है, और धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और यह त्याग करके धन आयन बनाता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधातु इसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, मेनली 8 भी होता है। कहते हैं धातु 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्षा में, यह त्याग करता है और धन आयन बनाता है, अधातु यह ग्रहण करता है और ऋण आयन बनाता है। इसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जैसे ही मान लो ये गाय है और ये भाई मेरा भैंस है, तो जैसे ही आप गाय से भैंस की ओर मूव कीजिएगा, ये गाय से आप भैंस की ओर जैसे ही मूव कीजिएगा, यानी जैसे ही आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाइएगा, लेफ्ट टू राइट जाइएगा, और धात्विक गुण बढ़ेगा, क्योंकि आप भैंस के तरफ जा रहे हैं तो भैंसत्व तो बढ़ेगा। जैसे ही आप सर इधर से इधर जाइएगा, तो आप जैसे ही भैंस के तरफ जाइएगा, भैंसत्व तो बढ़ेगा, यानी अधातु गुण बढ़ेगा, यानी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी, और यानी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा। और जैसे ही आप दाएं से बाएं की ओर आइएगा, दाएं से बाएं की ओर आइएगा, विद्युत धनात्मकता बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता बढ़ेगी।
और धातुई गुण बढ़ेगा जब इधर की ओर आइए, इधर जाइएगा अधातुई गुण बढ़ेगा, ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी, ऋणायन विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी अगर इधर की ओर आइएगा, इधर आइएगा तो विद्युत धनात्मकता बढ़ेगा। तो गौर फरमाइएगा वही लाइंस हैं। कहता क्या है कि आवर्त सारणी की अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में, बाएं से दाएं मतलब ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें बाएं से दाएं इधर जाने पर धातुई गुण विद्युत धनात्मकता इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटती है। इधर से इधर जब जाइएगा तो विद्युत धनात्मकता इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता घटती है क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। नहीं समझे? एकदम आराम से चला। कहते हैं ये अगर हमारा पीरियोडिक टेबल है, इधर धातु है यानी विद्युत धनात्मक है, इधर अधातु है यानी विद्युत ऋणात्मक है, तो कहते हैं जब धातु से अधातु की ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, और जब अधातु से धातु की ओर जाते हैं तो विद्युत धनात्मकता बढ़ता है। तो कहते हैं सर कि जब आवर्त में, जब पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर, ये बायां है, इससे दाएं की ओर जाने पर क्या होगा? दाएं ओर जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा, विद्युत धनात्मकता घटेगा। तो कहते हैं विद्युत धनात्मकता यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटती है, ऑब्वियसली इधर जाएंगे त्यागने की क्षमता घटेगी क्योंकि ग्रहण करने की क्षमता बढ़ रही है, और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर अधातुई गुण यानी विद्युत ऋणात्मकता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, इधर से इधर जब जाएंगे तो अधातुई गुण या विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, अधातुई गुण और विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा सर, अगर हम हीरा की बात करें, हीरा सबसे अधिक कठोर होता है, जितना भी तत्व है सबसे अधिक कठोर हीरा होगा, इसका मतलब इसका क्वथनांक भी ज्यादा होगा, इसका गलनांक भी ज्यादा होगा, अधिक टेम्परेचर पर खोलेगा और अधिक टेम्परेचर पर गलेगा। तो कहते हैं सर हीरा वह अधातु है जिसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु सबसे अधिक होता है। टंगस्टन का नाम सुने होंगे सर, इसका भी गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु इस धातुओं में सबसे अधिक होता है। हीरा अधातु में सबसे अधिक क्वथनांक और गलनांक हीरा का, और धातु में सबसे अधिक क्वथनांक और गलनांक किसका? टंगस्टन का। यूरेनियम का नाम सुने होंगे सर, इसको सफेद कोयला व्हाइट कोल कहते हैं। हेलोजन में सबसे कम क्रियाशील है सर आयोडीन, ये जो कहते हैं ना फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टेटीन, इसमें सबसे कम क्रियाशील है सर आयोडीन, और सबसे अधिक है सर फ्लोरीन, ये आपको याद रखना होगा। गैलियम तथा सीजियम हथेली पर पिघल जाता है, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। सबसे अधिक अगर आपको कहेगा कि बताओ कि तत्वों में, ध्यान दीजिएगा सर, बताओ कि तत्वों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन? ध्यान दीजिए, सबको प्रणाम है सर, बट एकदम कंसंट्रेट हो जाइए क्योंकि अब अंतिम घड़ी आ चुकी है, अब यहां से जिंदगी है या तो जन्नत या तो मौत है आपकी जिंदगी, इसलिए तैयार हो जाइए फुल कंसंट्रेशन के साथ। अगर हम तत्वों की बात करें, किसकी बात करें सर? तत्वों की बात करें तो तत्वों में सबसे अधिक कठोर होता है हीरा, और धातु में सबसे अधिक कठोर होता है प्लेटिनम, लेकिन सबसे अधिक गलनांक होता है और क्वथनांक टंगस्टन का, ये ध्यान रखना। यूरेनियम को सफेद कोयला कहते हैं, यूरेनियम को क्या कहते हैं सर? सफेद कोयला के नाम से जानते हैं, और हेलोजन में सबसे कम क्रियाशील आयोडीन है और सबसे अधिक फ्लोरीन है। गैलियम और सीजियम ऑलरेडी बता चुके हैं सर, ये हथेली पर पिघल जाता है।
धातु अधातु उपधातु तो सर, अरे देखिए बोर्ड पे पूरा नहीं दिख रहा है क्या, दिख तो रहा है। धातु अधातु और उपधातु के बारे में हम सर ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। धातु किसको कहते हैं, अगर नहीं जानते हैं सर तो ऑलरेडी आपको छोटी छोटी मगर मोटी बातों में बता चुके हैं, लेकिन आप तो हमको कर आइएगा लेकिन क्लास नहीं खींचेगा रेगुलर। अगर बाह्यतम कक्षा में एक दो तीन इलेक्ट्रॉन होगा तो यह धातु होगा और यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और अगर बाह्यतम कक्षा में पांच छ सात आठ इलेक्ट्रॉन होगा तो यह अधातु होगा, और अधातु होगा तो यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अगर एक दो तीन होगा तो यह धातु होगा, यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और पांच छह सात आठ होगा तो यह अधातु होगा, यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और त्याग करेगा तो विद्युत धनात्मक बनाएगा, ग्रहण करेगा तो ऋणात्मक बनाएगा, ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा, ऋणात्मक बनाएगा, और चार होगा तो उपधातु। आपको कहेगा धातु जिसके बाह्यतम कक्षा में एक दो तीन इलेक्ट्रॉन हो और जो त्याग करता हो, और जो सर त्याग करेगा इसका मतलब धनात्मक होगा। सबसे पहला धातु कहेगा तो कॉपर, सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला धातु कहेगा तो आयरन। सबसे पहला धातु, प्रथम धातु, लड़का इसमें आयरन मार देता है सर, लेकिन आंसर होगा सर सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु तांबा, सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाला धातु लोहा, और अगर हम बात करें सर मानव शरीर में सबसे अधिक कैल्सियम, ये सब धुआंझाड़ पहले से ही हम पढ़ाते आ रहे हैं सर। इसके बाह्यतम कक्षा में एक दो तीन इलेक्ट्रॉन, किसके बाह्यतम कक्षा में, धातु के बाह्यतम कक्षा में, त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हुए भी सर यह धातु नहीं बल्कि अधातु है, हाइड्रोजन एकमात्र अपवाद है जिसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है फिर भी यह धातु नहीं है, अधातु है। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम उपयोग की जाने वाली धातु है तांबा, और मनुष्य द्वारा सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली धातु है लोहा। ध्यान दीजिएगा सर, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु तांबा, अशब्द मनुष्य द्वारा सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली धातु लोहा। सारी बात जान लीजिए, जब पढ़ा रहे हैं ना, इससे बाहर एक को क्वेश्चन नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन बहुत हो गया अगर चल भी जाएगा तो। इसलिए सर पढ़िए, एकदम फायदा होना है इसकी गारंटी, क्योंकि सर अगर 512 पेज से रिजल्ट नहीं होना है तो एक मतलब जितोरास नहीं बनेगा, किकरो से नहीं बनेगा, लाइन बाय लाइन हम पढ़ा रहे हैं। कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हुए भी यह धातु नहीं, क्या है, अधातु। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम उपयोग की जाने वाली धातु है तांबा, और मनुष्य द्वारा सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली धातु है लोहा, और मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन है, कैल्सियम। आई भूपर पट्टी पर धातुओं का क्रम पहले ही चैप्टर में पढ़ा चुके हैं सर, सबसे अधिक अल्मोनियम, उससे कम आयरन, उससे कम कैल्सियम, उससे कम सोडियम, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे कठोरतम धातु प्लेटिनम, और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा, और सर पारा को पारा रश क्विक सिल्वर या एक और लिख सकते हैं द्रव धातु के नाम से जानते हैं, द्रव धातु के नाम से जानते हैं, ठीक है। आई सब ऑलरेडी सर हम आपको बता चुके, तो वो बोला लगाइए, सिग्नल का प्रॉब्लम होगा, रुकिए। हेलो हेलो हेलो, जेब में धन अभी देखिए ऑन है, हेलो हेलो। अब देखिए सर, इसको हम पारा को पारा रस क्विक सिल्वर या द्रव धातु कहते हैं। अब देखिए, आप पढ़े होंगे अगर सर अमलगम पढ़े होंगे, माइक देख लेते हैं सर, प्रॉब्लम होगा नया माइक मंगवाए हैं, अगर फिर भी प्रॉब्लम होगा तो रिटर्न कर देंगे सर। देखिए, पारा में कुछ भी मिला दीजिए, कुछ भी मिला दीजिए, अमलगम का निर्माण करेगा, ध्यान दीजिएगा, पारा में कुछ भी मिला दीजिए अमलगम का निर्माण करेगा, ये पारा है ना, इसमें कुछ भी मिला दीजिए अमलगम बन जाएगा। इसका मतलब अमलगम में पारा का होना अनिवार्य है, एक सवार पूछा है। कहते हैं सर, एचजी किसी अन्य को अपने में घुलाकर अमलगम का निर्माण करता है, अमलगम में पारे का होना आवश्यक है, अमलगम में एचजी अवश्य रूप से होता है,
अब देख ध्यान देना, इस सब तुमको हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। कहते हैं मिट्टी के तेल में रखी जाने वाले धातु कौन कौन है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, सीजियम यानी फर्स्ट ए। सोडियम पानी में तैरता है और यह जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं आपको। सोडियम मुलायम होता है, इसे चाकू से काटा जा सकता है और सोडियम बेंजीन और इथर में घुलनशील होता है। धातुओं का घनत्व, अब देखिए सर जितने भी धातु हैं उसका घनत्व उच्च होता है। धातु विद्युत का सुचालक है, एकमात्र धातु है जो विद्युत का कुचालक, वो है कौन, सीसा। ये ऑलरेडी आप जानते होंगे कि एकमात्र धातु है जो विद्युत का कुचालक है और वो कौन है, सीसा। कहते हैं सर माइक ठीक नहीं है, बैटरी नहीं है, हेलो 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 हेलो, फिर भी नहीं ले रहा, तब तक दूसरा माइक वो बोला है ना, वो लगा दीजिए। हेलो हेलो हेलो, यार माइक मंगवाए हैं समझो लगभग 19,000 में, कि अच्छा आवाज जाएगा, पता नहीं, चेक करवाते हैं सर। हाँ सर वही कर दी। देखिए धातु का घनत्व सर उच्च होता है तथा यह विद्युत का सुचालक होता है, एकमात्र अपवाद है सर सीसा, यह विद्युत का कुचालक है, इस सब लगभग जानता है। घनत्व का क्रम सबसे कम तांबा का, उससे ज्यादा सीसा, उससे ज्यादा सोना और सबसे ज्यादा होता है प्लेटिनम का। अब कहते हैं धातुएं अम्ल से क्रिया करके कौन गैस मुक्त करती है, ऑलरेडी तुमको हम बता चुके हैं, जब भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन गैस देगा। ये मेटल है, मेटल बोले तो मेटल मतलब धातु, एम फॉर मेलेबिलिटी अधातुवर्धनीयता का गुण होना चाहिए यानी पीठ के चादर बनना चाहिए, ई फॉर इलास्टिसिटी लचीलापन होना चाहिए, फोर टेंसाइल खींचकर तार बना सकते हैं, एलवाई यानी मिश्र धातु बनना चाहिए, लश्चर यानी चमक होना चाहिए, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, कुछ खास नहीं है, बकवासगिरी समझ लो, कोई काम नहीं है इसका। अब ठीक है धातु के ऑक्साइड, देखो यहां पर दो बातें, ऑलरेडी पॉइंट भी हम तुमको पढ़ा चुके हैं, धातु के ऑक्साइड पर क्षारीय होते हैं, नहीं याद होगा तो याद करना, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। आ तुमको हम बताए थे अ अ होता है, अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय, और धातु के ऑक्साइड क्या होंगे, क्षारीय, अधातु अम्लीय। ठीक है अब ध्यान देना, कहते हैं सर अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं तो धातु के ऑक्साइड क्या होंगे, तब क्षारीय, ZnO, ध्यान देना चला, ZnO का अगर आप नाम सुने होंगे सर, तो ZnO को हम फिलोसफर उल कहते हैं, फिलोसफर उल या यशद पुष्प या दार्शनिक पुष्प कहते हैं,
ध्यान देना चला। जेननो को फिलोसफर उलिया यशत पुष्प या दार्शनिक पुष्प कहते हैं। जेननो को क्या कहते हैं सर? जेननो को फिलोसफर उलिया यशत पुष्प या दार्शनिक पुष्प कहते हैं। और अगर आप ढलवा लोहा की बात करते हैं सर, ढलवा लोहा की बात करते हैं तो ढलवा लोहा में सबसे अधिक कार्बन होता है 2-5%। और ये जो पिटवा लोहा है, ढलवा लोहा बोलो या बूंदा लोहा बोलो, पिटवा लोहा में सर 0.12% to 0.25% कार्बन होता है। सबसे अधिक कार्बन ढलवा लोहा में होता है 2-5%, और पिटवा लोहा में सर 0.12 to 0.25% कार्बन होता है। ध्यान देना, ढलवा लोहा में सबसे अधिक पुष्टता है, सबसे अधिक कार्बन ढलवा लोहा में कितना 2-5%, और पिटवा लोहा में 0.12 to 0.25%। वैसे तो बहुत सारा है कार्बन का परसेंटेज, लेकिन पुष्टता यही दोनों। और जेननो को फिलोसफर उल यशत पुष्प या दार्शनिक पुष्प के नाम से जाना जाता है। कहता है जेननो, जेननो को फिलोसफर उल, जेननो को फिलोसफर उल, जेननो को सर फिलोसफर उल या यशद पुष्प के नाम से जानते हैं, या यशद पुष्प के नाम से जानते हैं। कहता है जेननो को फिलोसफर उल या यशद पुष्प कहते हैं। इसी में लिख लो या दार्शनिक पुष्प भी कहते हैं, दार्शनिक पुष्प कहते हैं। ढलवा लोहा लोहा का शुद्ध रूप है, पिटवा लोहा लोहा का शुद्ध रूप है। ढलवा लोहा लोहा का शुद्ध रूप होता था, इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है 2-5%, और पिटवा लोहा जिसको आप रॉट आयरन कहते हैं, लोहा का शुद्ध रूप है, इसमें कार्बन सी की मात्रा कम होती है, लगभग 0.12 to 0.25%। इस्पात को एक मिश्र धातु है जिसे सामान्यतः बेसेमर विधि द्वारा बनाया जाता है, यह आपको याद रखना है। अब ध्यान दीजिएगा सर, एक होता है सर स्टील को, आप स्टील ले लीजिए जिसको आप इस्पात कहते हैं, इसको सर आप गर्म कर दीजिए, जैसे मान लीजिए कि यह स्टील है, यह स्टील है सर, बुक आउट ऑफ स्टॉक हो गया है इसलिए नहीं मिल रहा है, बुक मतलब आउट ऑफ स्टॉक है, सुबह से ही नहीं मिल पा रहा होगा, तो सर ये रात में फिर छपेगी तो आपको कल से मिल पाएगी। कहते हैं अगर ये सर स्टील है, इतना अंदाजा नहीं था हमको भी, इतना प्रैक्टिस सेटर चला, इतना अंदाजा नहीं था कि भौकाली आ जाएगा, इसलिए मामला गड़बड़ा गया। अगर ये स्टील है, इसको तुम गर्म कर दो और धीरे धीरे ठंडा करो, यह प्रक्रिया तापानुशीतलन एनिलिंग कहलाती है, पुष्टता है। स्टील को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया तापानुशीतलन एनिलिंग कहलाती है। स्टील को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया जो है सर, यह तापानुशीतलन एनिलिंग कहलाती है। और अगर स्टील में आपको को कठोर बनाना है तो किसको मिलाते हैं सर? कार्बन को। स्टील में क्रोमियम की मात्रा होती है सर 11-15%। स्टील में जो क्रोमियम की मात्रा होती है वो 11-15% होती है। और कहते हैं स्टील को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया तापानुशीतलन कहलाती है। और स्टील में कार्बन की मात्रा, क्रोमियम की मात्रा 11-15% होती है। और स्टील को अगर आपको कठोर बनाना, ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि कार्बन उसमें मिलाया जाता है। कहता है, क्या कहता है, इस्पात एक मिश्र धातु है जिसे सामान्यतः बेसिमर विधि द्वारा बनाया जाता है। बेसिमर विधि क्या है ये आपको नहीं जानना है। स्टील को नरम बनाने की प्रक्रिया को तापानुशीतलन कहा जाता है। स्टील को अधिक कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। सब अनाधून पूछा जाता है कि स्टील को और अधिक कठोर बनाने के लिए क्या करते हैं, तो कहेंगे कार्बन मिला दिया जाता है। तो गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करना तापानुशीतलन कहलाता है। स्टेनलेस स्टील में जंग लग नहीं लगता है क्योंकि इसमें क्रोमियम की मात्रा लगभग 11-15% होती है।
इसमें क्रोमियम की मात्रा कितनी होती है सर? 11 से 15%। कहता है अधातु क्या है? तो अधातु जिसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। अब 5, 6, 7 होगा तो ग्रहण करके 8 बना लेगा। धनात्मक की ऋणात्मक, तो ग्रहण कर रहा था ऋणात्मक। सभी अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, एकमात्र सुचालक है ग्रेफाइट। पढ़े होंगे सर आप, जितने भी अधातु हैं उसका घनत्व तो कम होता है और वो विद्युत के कुचालक होते हैं। कहता है अधातु दैट इज नॉन मेटल यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है। इसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह प्राय ठोस तथा गैस दोनों अवस्था में होते हैं। एकमात्र अपवाद है द्रव अवस्था में होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। कहता है यह प्राय ठोस और गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ब्रोमीन एक अपवाद है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्लियर? कहते हैं यह प्राय ठोस अथवा गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ब्रोमीन अपवाद है जो किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। जैसे सर जितने भी धातु हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, एकमात्र धातु है पारा जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। कहते हैं सर ये विद्युत के कुचालक होते हैं, एकमात्र अपवाद है ग्रेफाइट जो सुचालक होते हैं। ये भंगुर होते हैं, अपवाद में ग्रेफाइट और आयोडीन। भंगुर मतलब सर चकनाचूर होने का गुण। और धातु का घनत्व और क्वथनांक तन्यता और धातु धातु से कम होता है। इसके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अभी तुरंत बताए थे। और धातु के ऑक्साइड अम्लीय अब आते हैं सर फॉस्फोरस पे। व्हाट इज फॉस्फोरस? सर फॉस्फोरस दो प्रकार का होता है, एक होता है श्वेत या पीला फॉस्फोरस और एक होता है सर लाल फॉस्फोरस। जैसे यहां भी हम सर दो पार्ट में बांट दिए, एक होता है श्वेत या पीला फॉस्फोरस, एक होता है लाल फॉस्फोरस। श्वेत फॉस्फोरस से सर पीला लौ के साथ जलता है, इसलिए इसको श्वेत या पीला फॉस्फोरस कहते हैं। अब ये हड्डी में पाया जाता है और ई जो है ना सर लाल फॉस्फोरस ही माचिस की तीली में पाया जाता है। इस श्वेत या पीला फॉस्फोरस की अगर आप बात करोगे सर, ध्यान दीजिएगा। हेलो आसमिन सर, हाँ नहीं सर आउट ऑफ स्टॉक, रात तक में आएगा। हम सर जस्ट आपको कॉल करते हैं थोड़ा देर। अब देखिए सर, हमने कहा कि ये श्वेत या पीला फॉस्फोरस ये हड्डी में पाया जाता है, लाल फॉस्फोरस माचिस की तीली में। तो सर ये हड्डी जो है ना, ये श्वेत या पीला फॉस्फोरस ये 40 डिग्री सी पर स्वतः जलने लगता है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्वतः ही जलने लगता है। आई जो लाल फॉस्फोरस है इस स्वतः नहीं जलता, इसीलिए तो माचिस की तीली में स्वतः आग नहीं लगता है, स्वतः नहीं जलता। यह 40 डिग्री सी पर स्वतः जलता है और यह लाल फॉस्फोरस स्वतः नहीं जलता। अब मामला क्या है सर कि अजीत जी ये 40 डिग्री सी पर स्वतः जलता थी, हड्डी में होता है, इसीलिए देखना शमशान घाट में जो हड्डी होता है उसमें ऑटोमेटिक आग लग जाता है। कितनों बारिश होगा ऑटोमेटिक आग लग जाए। तो लोग कहता देखो फलनमा के आत्मा जल रहा है, इतना पानी हुआ तो आत्मा को शांति नहीं मिला, दुष्ट ओग्राम में फॉस्फोरस है जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्वतः जलने लगता है। मामला क्या है चला कि इसीलिए इसको अस्थाई फॉस्फोरस के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह स्वतः जलने लगता है अपने आप और यह एकदम अस्थाई है सर। यह अस्थाई फॉस्फोरस का उदाहरण, यह अस्थाई फॉस्फोरस है और यह अस्थाई फॉस्फोरस, यह स्वतः नहीं जलता। ठीक है, फिर से समझते हैं सर, गौर फरमाइएगा। क्या कहें चला इतना ना, लाइट कट जाता है, इन्वर्टर दो दो स्टूडियो है, लोड नहीं ले पाता है,
अब एक इन्वर्टर लगाना, वो जनरेटर लगाना है, जनरेटर का 2.5 लाख रुपया है, कहां से लाएंगे उतना पैसा? मामला गड़बड़ा गया है, कभी जो है मामला धोखा दे देगा लगता है। देखिए श्वेत या पी, तुम लोग कहेगा हाँ इतना तो आपके पास पैसा है तो ही है तो हु है, 150 तो बखेरा कर सकता है, लेकिन मामला तनी टाइट है, कहते फिर भी कोशिश करते हैं, मामला गड़बड़ा रहा है। 3 लाख रुपया आप सोचो जनरेटर का है, सीधा 3 लाख दे देना है तब आएगा। ऑफलाइन बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं, ऑफलाइन का तो अभी आराम से घर में बैठ के पढ़ो। श्वेत या पीला फॉस्फोरस यह हड्डी में होता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्वतः जलता है, इसीलिए अस्थाई है। यह माचिस की तीली में यह स्वतः नहीं जलता इसलिए अस्थाई है। बढ़िया सर, श्वेत या पीला फॉस्फोरस, यह श्वेत फॉस्फोरस पीली रोशनी के साथ जलता है इसलिए पीला फॉस्फोरस, या पीला रोशनी के साथ जलता है इसलिए इसे पीला फॉस्फोरस भी कहते हैं, या 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्वतः जलने लगता है इसलिए इसे अस्थाई फॉस्फोरस, उसे अस्थाई फॉस्फोरस कहते हैं, अस्थाई नहीं अस्थाई, अस्थाई फॉस्फोरस कहते हैं। यह हड्डी में पाया जाता है, इसे पानी में डुबा कर रखते हैं क्योंकि यह अस्थाई है, अपने आप आग लग जाएगा इसलिए इसको पानी में डुबा कर रखते हैं, इसकी गंध लहसुन के समान होती है। ये कहता है गंध फंदे पूछता है, ये गंधहीन होता है, इसे कहते यह स्वतः नहीं जलता इसलिए यह अस्थाई है, स्टेबल है, स्वतः नहीं जलता इसलिए यह स्टेबल है। इसका उपयोग माचिस की तीली में और बारूद बनाने में करते हैं, यह गंधहीन होता है। राइट इट डाउन, ठीक कर लेना चला। यह 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्वतः जलने लगता है इसलिए उसे अस्थाई फॉस्फोरस, अनस्टेबल फॉस्फोरस कहते हैं, और यह स्वतः नहीं जलता इसलिए अस्थाई कहते हैं। यह हड्डी में पाया जाता है, इसे पानी में डुबा कर रखते हैं, वो जो कहते हैं फॉस्फोरस पानी, फॉस से पानी, सर फिर से समझ लीजिए, कहते हैं फॉस्फोरस दो प्रकार का, एक श्वेत या पीला फॉस्फोरस, श्वेत फॉस्फोरस को ही पीला फॉस्फोरस कहते हैं क्योंकि यह स्वतः जलता है, यह हड्डी में होता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्वतः जलने लगता है इसलिए इसको हम अस्थाई कहते हैं, एकदम अस्थाई कहते हैं, झोल जाने दिमाग में रखना, यह हमारी किताब है। माचिस की तिल्ली में स्वतः नहीं जलता इसलिए इसको हम स्थाई फॉस्फोरस के नाम से जानते हैं, इसकी गंध लहसुन के जैसी होती है और यह गंधहीन होता है, इसलिए हड्डी देखता है ले जाता है लहसुनैन लहसुनैन गंध आता है। अब सर आप पढ़े होंगे गंधक जानते हैं सर, सल्फर का बड़ा मामला है, सल्फर का सूत्र होता है S8, इसकी परमाणुकता 8 है, हम बोले थे गिन लेना है वही परमाणुकता है। इसका उपयोग सर कहां कहां करते हैं, एक तो रबर के वल्कनीकरण में खूब पूछता है, रबर के वल्कनीकरण में, रबर के वल्कनीकरण में, और जब सल्फर मिला देते हैं सर तो रबर हार्ड हो जाता है, रबर हार्ड हो जाता है, रबर क्या हो जाता है सर, हार्ड हो जाता है। तुम लोग अपने में काहे लड़ते रहता है दुष्ट, पढ़ो अजीत सब पढ़ाई करो, तो अपना नंबर छोड़ देना हम कॉल कर लेंगे। अब ध्यान देना, रबर के वल्कनीकरण में सल्फर का उपयोग कहते हैं, सल्फर में रबर में सल्फर मिला देना वल्कनीकरण कहलाता है, रबर को हार्ड बनाता है। इसका उपयोग सर मलहम, ड्रग्स का टिकिया यानी गोली, जिसको आप गोली हम लोग जो खाते हैं उसको हम ड्रग्स का टिकिया, ड्रग्स मतलब वो ड्रग्स नहीं होता, ड्रग्स मतलब दवाई होता है, ड्रग्स की टिकिया, मलहम ड्रग्स की टिकिया इत्यादि में प्रयोग करते हैं हम इसका। उसके बाद महिलाएं जो अपना बाल सीधा करती है, देखता है वो सिल्की सिल्की हेयर, गांव घर में अगर तुम देखा होगा एकदम सिल्की सिल्की हेयर रहता है, वो जो सिल्की सिल्की हेयर तुम देख रहा है ना, केकरा से, सल्फर से, केकरा से, सल्फर से, कहते हैं महिलाएं अपने बाल को सीधा करने के लिए सर सल्फर का उपयोग करती है, सल्फर के उपयोग से वो महिलाएं अपना बाल सीधा करती है।
कहते हैं सर प्राकृतिक रबर में गंधक मिला देने पर रबर की मजबूती इलास्टिसिटी बढ़ जाती है तथा कठोर हो जाता है, और प्राकृतिक रबर में गंधक मिलाने की प्रक्रिया वल्कनीकरण खूब पूछता होगा सर, वल्केनाइजेशन कभी कभी इंग्लिश वर्ड को भी हिंदी में लिख देता है। गंधक के एक अणु में इसके 8 परमाणु होते हैं, अतः इसका आण्विक सूत्र S8 होता है। गंधक का उपयोग औषधि जगत में भी किया जाता है, जैसे मरहम जिसको आप मलहम कहते हैं, सल्फर ड्रग्स का टिकिया इत्यादि। आजकल सल्फर का उपयोग ब्यूटी पार्लरों वालों में एक विशेष प्रकार की बालों में एक विशेष प्रकार की आकृति प्रदान करने के लिए किया जाता है। ब्यूटी पार्लर में सर महिलाएं बालों में एक विशेष आकृति अर्थात सीधा करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। मलहम में तो करवे करते हैं, ड्रग्स का टिकिया यानी गोली बनाने में करते हैं, रबर में सल्फर मिला दीजिएगा तो वल्कनीकृत हो जाएगा। अब उपधातु सर, उपधातु की अगर बात करोगे 7 उपधातु है। कहता है इसमें धातु तथा अधातु दोनों का गुण पाया जाता है तो हम कहते हैं उपधातु। इसकी संख्या 7 है। अब जो इसकी संख्या 7 है वो कुछ इस कदर है, देखिए ये 7 सर उपधातु है। तो देखिए ये पहला आवर्त है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां। पहले आवर्त में सर एक भी उपधातु नहीं है। दूसरा आवर्त में देखिए ये वो है बोरोन, तीसरा आवर्त में अगर आप आइएगा तीसरा आवर्त में भी ये वो है सिलिकॉन, चौथा आवर्त में आइएगा दो गो है जर्मेनियम और आर्सेनिक, पांचवा आवर्त में भी देखिए दो गो है एंटीमनी और टेलुरमिन, छठा आवर्त में भी देखिए ये वो है पोलिनियम, सातवां में नहीं है सर, वही यहां लिखा हुआ है। इसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। इसकी संख्या 7 है। पहले आवर्त में उपधातु की संख्या 0 है, एक भी नहीं है। दूसरा में सर 1 है बोरोन, तीसरा में 1 है सिलिकॉन, चौथा में 2 है जर्मेनियम और आर्सेनिक, पांचवा में भी 2 है एंटीमनी और टेल्यूरमिन, छठा में सर एकमात्र है पोलिनियम। तो टोटल हो गया 1, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। तो उपधातु की संख्या अगर कहेगा तो कितना मार देना है 7। वैसे 7, 6 में अब नहीं फंसाना चाहिए, पिछले बार फंसाया था, लेकिन तुम्हारा इतना काम हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज उपधातु की संख्या सर कितनी है? एकदम 7, 6 में नहीं फंसाएगा, क्योंकि इस बार देखें हम नया जो क्वेश्चन आया है उसमें नहीं फंसाया है, सीधा 7 आंसर दिया है, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। कहता उपधातु की संख्या कितनी है तो 7, पूछ लेगा चौथे आवर्त में कितना है तो 2। ध्यान में रखना पहला और सातवें में 0, 0 है, और उसके बाद 1, 2, 2, 2 फिर 1 है, तो इसको सर ध्यान में रखना होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। उपधातु आवर्त सारणी में धातु और अधातु देखिए सर, इसी को सर हम लोग कहते हैं बोर्डरलाइन तत्व, इसी को कहते हैं हम। ये इधर धातु है, इधर सर धातु है, इधर अधातु है, आई धातु और धातु के बीच में सर ये उपधातु है। इसको सर ये हो गया इंडिया, ये हो गया पाकिस्तान, बीच में ही सरहद है सर, बॉर्डर है, ये इंडिया ये पाकिस्तान बीच में बॉर्डर है, इसको हम उपधातु कहते हैं और इसको हम बॉर्डर लाइन तत्व कहते हैं। ये जो उपधातु है ये बॉर्डर है और इस पर जो तत्व है इसे बॉर्डर लाइन तत्व कहते हैं, जिसमें बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी टेलुरमिन और पॉलिनियम। इसकी संख्या कितनी है 7 है। कहता है याद नहीं करना है, खाली संख्या पूछता है, झूठे की याद करेगा तो तुम जानो। आ गया, देखो कहते हैं उपधातु आवर्त सारणी में धातु और अधातु को अलग करता है। उपधातु जिस रेखा पर स्थित होता है उसे बॉर्डर लाइन कहते हैं, क्योंकि यह धातु और अधातु के बीच एक बॉर्डर है। अल्मोनियम जिंक एंड सीसा के ऑक्साइड Al2O3 ZnO PbO2 आदि उभयधर्मी है, अर्थात अम्लीय और क्षारीय दोनों का गुण रखता है। ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं
कि Al2O3, ZnO, PbO2 ये उभयधर्मी है, नहीं पढ़ाए हैं पिछला एसिड बेसन सॉल्ट में आपको सर पढ़ाए हैं। एसिड बेसन सॉल्ट अगर आप पढ़े होंगे सर तो उसमें हमने ये चीज पढ़ाई है। अब हम मिश्र धातु, मिश्र धातु सर ऑलरेडी आप जानते होंगे सर, ये पीतल पूछता है, पीतल को क्या कहते हैं सर, कॉपर और जिंक का ये परसेंटेज नहीं भी याद रखेगा चलेगा। कॉपर और जिंक को मिला के होता है, इसमें तार मशीनों के पुर्जे बर्तन के रूप में उपयोग करते हैं। आया रे आया है, अभी गाड़ी खुल गया 2000। हेलो हेलो हेलो, आइए सर हम कांसा की बात करते हैं। कॉपर और टीन है, कॉपर और टीन बर्तन की मूर्तियां, उन्हें कहता कांसा का बर्तन है। कृत्रिम सोना कॉपर अल्मुनियम, मुद्रा धातु कॉपर टीन फास्फोरस, मुद्रा बनाने में गन मेटल कॉपर टीन और जिंक। खाली परसेंटेज नहीं याद रखना, कंपोजिशन एकदम याद कर लेना, खूब पूछता है। बेल मेटल कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन तो इस बार पूछा था एकदम नया टाइप का। मोनल मेटल जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है, खाली कॉपर निकेल, कॉपर मैंगनीज और निकेल होता है। डच मेटल मैग्नीलियम, ये सब याद नहीं करना है, हम दे दिए हैं बट याद मत करना। ड्यूरलमीन याद कर सकता है, अल्मोनियम ब्रॉन्ज याद कर सकता है, लगभग इसमें सर छांटना मत। नाइक्रोम वगैरह तो खूब पूछता है, उसके बाद शोल्डर एकदम पूछता है, एलनिको भी पूछता है, इसलिए सबका कंपोजिशन एकदम आपको याद रखना चाहिए। मैंगनीज ये नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, लेकिन कभी हो सकता है पूछ दिया तब मामला गड़बड़ा जाएगा। मैंगनीज स्टील, क्रोमियम स्टील, ये सब नहीं पूछेगा, एकदम नहीं पूछेगा, इसकी गारंटी है सर। आप कहिएगा सर कौन कौन सा टिक मरवा दीजिए, हम आपको टिक मरवा देते हैं सर, उतना आप जरूर याद रखिएगा। एगो पीतल खूब पूछता है, कांसा खूब पूछता है, मुद्रा धातु गन मेटल नहीं पूछेगा, बेल मेटल पूछता है सर, कॉन्स्टेंटन पूछता है, उसका जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता ये पूछता है, बाद बाकी नहीं पूछता है, उसके बाद एल्युमिनियम ब्रॉन्ज सब नहीं पूछता है। नाइक्रोम सोल्डर एलनिको, बस इतना अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सर प्रेडिक्टेबल, अब आप इसका सवाल बनाइए सर, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। धातु जिसके बाह्यतम कक्षा में एक दो तीन इलेक्ट्रॉन होगा वो त्याग करेगा, धन आयन बनेगा धातु, और जिसके बाह्यतम कक्षा में पांच छह सात आठ इलेक्ट्रॉन रहेगा वो ग्रहण करेगा, और धातु चार रहेगा तो उपधातु, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग सर अगले क्लास में मंडे को। द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज कार्बनिक रसायन। थैंक यू वेरी मच। और एक इंफॉर्मेशन है सर आप लोगों के लिए, जो भी बच्चे